भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी पर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल टीएमसी नेताओं को सार्वजनिक रूप से पीटा जाएगा। ये बात उन्होंने राज्य में विरोध रैली को संबोधित करते हुए कहा। इसके साथ ही घोष ने कहा कि टीएमसी नेताओं को पशु तस्करी और एसएससी घोटाले सहित कई मामलों में शामिल होने पर जनता में आक्रोश है। वहीं राज्य के लोग इस भ्रष्ट टीएमसी शासन से तंग आ चुके हैं। वे जल्द ही घोटालों में शामिल होने पर जनता के गुस्से का सामना करेंगे। इसके साथ ही आगे कहा कि अभी केवल 2 टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है और अब पार्टी रो रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के किसी भी नेता को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें अपने पापों की कीमत भी चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।